सूबे की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे नाराज और गुस्साए लोगों ने पौड़ी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने अंकिता भंडारी को जल्द न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा SIT की जांच पर भी आक्रोशित लोगों ने सवाल खड़े किए। लोगों ने आरोपियों के नार्को टेस्ट और CBI से जांच की मांग की। आक्रोशित लोगों को जिलाधिकारी शांत कराया और शासन स्तर पर जो कोई ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। मुझे दिया गया और उसमें जो मांगी है उन्हें हम विभिन्न पटलों पे जो भेजी जानी है उसे भेजा जा रहा है, और इसके साथ ही उनके साथ में एक सकारात्मक चर्चा भी की गई है, और उस चर्चा में विमेन सेफ्टी को लेकर जो भी इम्प्रूवमेंट किए जाने हैं उस पर बातचीत हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ महिला सुरक्षा से संबंधित या महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी सकारात्मक कार्य किए जाने वो हम लोग करेंगे। 2 महीने से तमाम छात्र संगठन, तमाम सामाजिक संगठन और हमारे उत्तराखंड का आम जनमानस अंकिता भंडारी मामले में लगातार कोर्ट से हो चाहे प्रशासन से हो अपनी गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता कार्य किसी सरकार या फिर प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। को लेकर ही यहाँ पे आए हैं, हम ऋषिकेश से आए हैं और मेरा नाम रेणु नेगी है। हम जो मांगे इतने समय से मांगते आ रहे हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई है, और इसीलिए हम ज्ञापन देने आए हैं। मांगे तो आपको पता ही है कि CBI की जांच हमें सबसे पहले चाहिए, क्योंकि हमें औरों पे भरोसा नहीं है, और भरोसा तो हमें यहाँ के प्रशासन से जो भी जितने भी इन्होंने हमारे साथ छल कपट जो भी करना चाहा था सब कुछ करके दे दिया।